अच्छा, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, एरे और ऑब्जेक्ट हमने अभी नहीं पढ़ा, वो पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अच्छा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ लिया। अच्छा, ये कुछ ऑपरेटर अभी रहते हैं हमारे, ये अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन से ऑपरेटर्स हैं और इनका काम क्या होता है। एक तो है मॉड्यूलस ऑपरेटर, सही है, पहले नाम सुना है मॉड्यूलस ऑपरेटर का, चलो फिर अच्छी बात है, सुना है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम रखा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड रिटर्न वैल्यू स्क्रिप्ट। प्रेसिडेंस की स्पेलिंग गलत लिखी है, माइन एम इक्वल टू 5 ऐसे मैंने लिख दिया, सही है। एक वेरिएबल बना लिया, नंबर वेरिएबल, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 5। अच्छा, और एक और बना लेता हूँ वेरिएबल, दो वेरिएबल बना लेता हूँ, -1 -2, एक में मैं रख दे रहा हूँ 16। -1 मॉड्यूलस -2। अच्छा, जो लोग पहले से जिनको पता है कि ये मॉड्यूलस को ऑपरेटर क्या करता है, कौन मुझे बताएगा कि रिजल्ट में क्या प्रिंट होना चाहिए? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 प्रिंट होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 प्रिंट होना चाहिए, नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ ना, मॉड्यूलस का ऑपरेटर करता गया, जो इनको पहले से पता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का सवाल है, वो तो मैं खुद बताऊंगा। वैसे रिमाइंडर रिटर्न करता है, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, रिमाइंडर क्या होता है? जब दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है, ऐसा नंबर जो डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो रिमाइंडर कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बोलूं कि 10 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास 10 बॉटल्स थी, मुझे 4 लोगों को डिवाइड करना है, वो यही मतलब है ना इसका, कि 10 बॉटल्स है मेरे पास, 10, ये पूरा क्रेट है 10 बॉटल्स का, ये मुझे 4 लोगों को देना है, डिवाइड करना है, तो एक को कितना दूंगा मैं? 2.5 दूंगा। हाँ, समझ में आ गया ना, पॉइंट समझ में आ गया ना। देखो, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि 10 बॉटल्स को 4 जगह डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वैसे तो थियोरेटिकली तो हम लिख देते हैं, पॉइंट में आंसर आ गया 2.5, वैसे तो हमने लिख दिया कि भाई 2.5 आंसर है, लेकिन इन रियलिटी दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इन रियलिटी आप 2.5 नहीं दे सकते, या तो आप 2 बोतल देंगे या तो 3 देंगे, आप 2.5 नहीं कर सकते आप। तो इस पॉइंट पे आता है रिमाइंडर इन एक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई जितने जितने हम डिवाइड कर सकते हैं उतने कर देते हैं, बाकी बचेगा रिमाइंडर। तो 2.5 की जगह मैं क्या दूंगा, 2 दूंगा, बाकी जो बचिए वो रिमाइंडर। ठीक है, तो अच्छा इसका बहुत आसान सा एक सिंपल सा भी हल है कि अगर मैं 10 डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या था, 2.5, तो मैं पॉइंट हटा दूँ ना तो ये रिमाइंडर, यानी पॉइंट हटा दूं अगर मैं इसका, तो ये एक्चुअल आंसर ये वाला है और बाकी जो बच गया वो रिमाइंडर है। तो 2.5 की जगह 2 है, 2.5 नहीं है,
पॉइंट के बाद डिवाइड के अंदर पॉइंट की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो थ्योरी में एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकल में नहीं करती। तो अब क्या आंसर हुआ, एक्चुअल आंसर डिवाइड का वो हुआ टू। फिर अगर मुझे 10 बॉटल्स हैं और वो 4 लोगों को मुझे देनी है, तो मैं दो दो दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, 2.5 नहीं दे सकता, ठीक है, दो दो दे सकता हूँ। अच्छा, ये दो दो मैंने 4 लोगों को डिवाइड कर दिया, बचा कितना पीछे, 2 बच गए मेरे पास। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि 10 डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो अगर तो डिवीजन होता ना ये, तो इसका आंसर आता 2.5। लेकिन ये मॉड्यूलस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो बचा हुआ आइटम है वो देगा मुझे, तो ये बचा हुआ आइटम क्या देगा, 2 देगा मुझे। कहानी समझ में आ गई रिमाइंडर की? तो रिमाइंडर जो है वो रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रियल लाइफ में, क्योंकि रियल लाइफ में तो डिवीजन हो ही नहीं सकती। डिवीजन तो जहाँ तक एक्चुअल पॉइंट तक, जहाँ तक नहीं पहुँचते वहीं तक हो सकती है, उसके आगे पॉइंट वाली चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो रिमाइंडर हमें बहुत, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी नंबर की जो डिवीज़न है उसका रिमाइंडर चेक करेंगे, ये डिवाइड होने के बाद बचेगा कितना, तो वो हमें कैलकुलेट करने के लिए रिमाइंडर का। अच्छा, बहुत ज़्यादा सिंपल सा इसका एक यूज़ केस है कि किसी नंबर के बारे में अगर आपको चेक करना हो कि वो इवन है या ऑड है, तो आप क्या करेंगे, तो जो नंबर 2 से इवनली डिवाइड हो जाए, इवनली डिवाइड हो जाए वो इवन होता है, जो इवनली डिवाइड ना हो पाए कुछ रिमाइंडर बचा दे, कुछ रिमाइंडर बचा दे, वो ऑड होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि एक नंबर है मेरे पास 16, इवन नंबर है, हम इंटेलिजेंट है, हमें सुनते ही समझ में आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर से अगर मुझे काम करवाना है तो मैं उससे डिवाइड करवाऊंगा 2 से, 2 से डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर है वो अगर पॉइंट पे नहीं जाता, इवनली डिवाइड हो जाता है, तो दिस इज इवन नंबर। तो अब अगर इसमें मैं मॉड्यूलस लगा दूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा तो मुझे 0 देगा, मॉड्यूलस मुझे क्या देगा, 0। तो अगर किसी दो नंबर का मॉड्यूलस अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो इवन है। तो एक इसका पहला यूज़ केस हमने देख लिया, और भी इस तरह के छोटे छोटे इसके यूज़ केसेस हैं, और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम रिमाइंडर को प्रोग्रामिंग में, ख़ासतौर पर जहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह की बात आती है, जहाँ पे डिविजन्स की बात आती है, जहाँ पे रियल लाइफ की चीज़ों की बात आती है, वहाँ पे ये बहुत यूज़ होता है, सही है। तो ये हमने मॉड्यूलस का ऑपरेटर पढ़ा। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, जो मैं पहले भी शुरू में जिक्र करता रहा हूँ, रिटर्न वैल्यू। व्हाट इज़ रिटर्न वैल्यू? अच्छा, ये बहुत अच्छे से समझ लो इस पॉइंट पे, क्योंकि आगे ये बहुत आएगा, कंटिन्यूसली आता रहेगा। ये जो दो वेरिएबल्स है ना, और इसके बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है, अच्छा ये प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, इस वक्त मॉड्यूलस है। जब ये कोड मेरा रन होगा तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये हम देख चुके हैं शुरू में मैथ एक्सप्रेशन के टाइम पर, ये मैथ एक्सप्रेशन ही है काइंड ऑफ। तो अभी मैथ एक्सप्रेशन के अलावा भी होते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो अब ये जब एक्सप्रेशन को जावास्क्रिप्ट देखता है तो क्या करता है, इसको इवेल्यूएट करता है सिंगल वैल्यू में, तो ये पूरा खुद गायब हो जाएगा और यहाँ पे मुझे एक नंबर आ जाएगा। दिस नंबर इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू, इसको भूलना नहीं है प्लीज़ आपने, ठीक है। कि रिटर्न वैल्यू क्या होती है, कि वो जो बात वहाँ पे लिखी हुई है ना वो खुद ख़त्म हो जाएगी, उसकी जगह पे एक नंबर आ जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये नंबर ऐसे ही आता है कि वो ऑपरेटर है, वो एग्जीक्यूट हुआ और उसने एक नंबर रिटर्न किया, ठीक है। जैसे एक तरफ 2 लिखा हुआ है, बीच में प्लस है, फिर 2 लिखा हुआ है, तो ये 2+2 इज़ एन एक्सप्रेशन, किसी ने एक्सप्रेस किया है मैथ की जुबान में अपनी बात को। और जब ये कोड रन होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इवेल्यूएट हो जाएगा सिंगल वैल्यू पर, यानी वो दोनों को प्लस करके एक वैल्यू पर आ जाएगा वो, और दैट वन सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर हर स्टेटमेंट या हर एक्सप्रेशन कोई ना कोई चीज रिटर्न करती है, सही है। अगर कुछ रिटर्न नहीं करेगी तो अनडिफाइंड रिटर्न करेगी, अगर कुछ रिटर्न नहीं करेगी तो अनडिफाइंड लाजमी रिटर्न करेगी। जावास्क्रिप्ट की हर स्टेटमेंट कोई ना कोई चीज रिटर्न करती है। तो ये रिटर्न वैल्यू को अच्छी तरह से समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है, कि कोई चीज लिखी हुई है खुद, वो हट जाएगी और उसकी जगह एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये इसकी रिटर्न वैल्यू। मिसाल के तौर पर ये रिजल्ट लिखा हुआ है,
इस रिजल्ट की रिटर्न वैल्यू क्या है? जब ये कोड रन होगा ये रिजल्ट खुद हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू मौजूद है इस लाइन पे जब कोड पहुंचेगा तो जो भी होगी उस वक्त वैल्यू, वो उस वक्त उसकी रिटर्न वैल्यू होगी। तो ये रिजल्ट खुद हट जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह एक नंबर आ जाएगा और वो नंबर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो रिजल्ट की जो रिटर्न वैल्यू है वो 2 होगी, ठीक है? इसी तरह मिसाल के तौर पे कोई एक लिखा हुआ है 3 × 2, तो इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? 6 है इसकी रिटर्न वैल्यू। अच्छा, क्या उस रिटर्न वैल्यू को मैं कहीं प्रिंट करवा रहा हूँ? कुछ करवा रहा हूँ? कुछ भी नहीं करवा रहा। तो कुछ भी नहीं होगा, रिटर्न वैल्यू आएगी, हवा में गुम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये करूँ, मैं एक साथ में वेरिएबल बना दूँ लेट ए इक्वल्स टू, तो अब ये जो रिटर्न वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ए के अंदर चली जाएगी। अच्छा, स्टिल मैं ए को प्रिंट नहीं करवा रहा, तो कुछ भी नहीं होगा, बना रहेगा वेरिएबल, मेमोरी में जगह लेके बैठा रहेगा, ठीक है? अगर मैं प्रिंट भी करवा तो प्रिंट, तो रिटर्न वैल्यू हमें हमेशा नज़र आती रहेगी अपने कोड के दरमियान में। रिटर्न वैल्यू हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि रिटर्न वैल्यू क्या चीज़ है। जब हम आगे चल के अभी फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये बड़ा क्रिटिकल रोल है इस रिटर्न वैल्यू का। कमेंट अगर कर देते हैं, नहीं ये तो जाता ही नहीं है ना, प्रोसेसर तक पहुँचता ही नहीं है। जिस चीज़ को आप कमेंट कर देते हैं वो प्रोसेसर तक नहीं पहुंचता। अच्छा, कमेंट बाय द वे अगर मैंने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, कोई भी ऐसी लाइन आपकी जावास्क्रिप्ट में जो आप वक्ती तौर पे उसको रोकना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? कंट्रोल और स्लैश दबाते हैं, या हाथ से भी लिख सकते हैं, या हाथ से भी दो दफ़ा स्लैश लगा दो तो ये लाइन रुक जाती है वक्ती तौर पर, जब तक वो हट ना जाए लाइन उस पर से ना, कमेंट वाली लाइन, ठीक है? कमेंट लगाने के दो रीज़न हो सकते हैं। नंबर एक रीज़न कि आप डीबगिंग पर्पस के लिए किसी एक लाइन को वक्ती तौर पर रोकना चाहते हैं, एक तो ये पर्पस है। दूसरा ये कि आपने कोई कोड लिखा है उसके साथ ना आप ये कुछ बात लिखना चाहते हैं कि दिस लाइन इज़ फॉर समथिंग, जो भी बात लिखना चाहें आप कि ये लाइन मैंने क्यों लिखा है, ये कोड मैंने क्यों लिखा है, कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए। कि अगर आपकी 4 लोगों की टीम है, आप अगर कोई तीसरा बंदा आपके अलावा उस कोड को रीड करे तो उसको यार ये क्यों लिखा होगा लाइन, ऐसे वो सोच रहा है अगर, तो उसको साथ में ये कमेंट लिखा हुआ मिल जाए कि भाई ये इसलिए लिखा गया, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं अपना कोड लिखते हुए सम टाइम ये करता हूँ कि भाई डू नॉट रिमूव दिस लाइन, वो लाइन ऐसे ना थोड़ी नॉनसेंस लग रही है देखने में, लेकिन मैं लिख देता हूँ कि ये लाइन फला जगह पर इस्तेमाल होगी, तो डू नॉट डिलीट दिस लाइन, ठीक है? कहीं पर फॉर्मेटिंग मैंने चेंज की हुई है, मिसाल के तौर पर 4 लाइन में किया हुआ है स्ट्रिंग को, डू नॉट चेंज फॉर्मेटिंग, तो कोई दूसरा डेवलपर अगर उसको खोलता है तो उसको वो चेंज नहीं करता है, उसको पढ़ देता है, वो देख लेता है। तो दो पर्पस हो सकते हैं, नंबर एक डिबगिंग पर्पस कमेंट करने का, नंबर दो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, कि आप किसी चीज़ पर डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हो छोटी सी। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, बाय द वे ये कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश ना, ये VS कोड में ये शॉर्टकट है, किसी दूसरे एडिटर में ये शॉर्टकट मुख्तलिफ भी हो सकता है, होता तो नहीं आमतौर पर, यही है स्टैंडर्ड है, लेकिन मुख्तलिफ भी हो सकता है और इस शॉर्टकट को आप चेंज भी कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं होता, इसको आप अपनी मर्जी से किसी दूसरे बटन पर भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो हमने ये समझ लिया अच्छी तरह कि वॉट इज रिटर्न वैल्यू, ठीक है, ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अच्छा, इसको मैं कोड को इतने को रोक देता हूँ। मॉड्यूलस को ऑपरेटर भी हमने समझ लिया अच्छे से, अब हम ऑपरेटर समझते हैं। ये प्लस प्लस और माइनस माइनस जो है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, या पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, इसको ज़रा देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या सीन है। अच्छा, मैंने कहा लेट वही वाला बना लेता हूँ, माइनम वन और माइनम टू। और लेट रिजल्ट भी इसमें से उठा लेता हूँ।
अच्छा मैंने ना एक बनाया माइनम वन, उसमें रखा मैंने 10, और उसके बाद ना नीचे आके मैंने बोला माइनम वन, और साथ में उसके एक ऑपरेटर लगाया मैंने प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा ये जो प्लस प्लस है ना, ये शॉर्टकट है किसका? वन प्लस करने का शॉर्टकट है किसी भी। अच्छा ये लगेगा सिर्फ नंबर वेरिएबल पे, ठीक है, क्योंकि जाहिर है नंबर होगा तो प्लस होगा ना होगा। अच्छा तो अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला माइनम इक्वल्स टू माइनम प्लस वन। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका ये था किसी वेरिएबल में एक प्लस करवाना हो कि भाई क्या करो, माइनम में जो है वो रखो, प्लस वन कर दो उसके अंदर, और ये जो पूरी बात जो रिटर्न होगी यहाँ से वो वापस माइनम वन में डालोगे। ये एक्सप्रेशन कैसे रन होगा, माइनम की जगह क्या आ जाएगा, इसको पहले मैं रोक देता हूँ इस लाइन को, इस अभी ये शॉर्टकट नहीं है, अभी हम पहले आए तो माइनम वन की जगह पे क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि उसकी रिटर्न वैल्यू 10 है, तो ये रिटर्न करेगा 10 यहाँ पे। ये दोनों मिलके क्या इवेल्यूएट करेंगे, 11, इसके रिटर्न वैल्यू 11 हो जाएगी, और ये 11 कहाँ चला जाएगा, माइनम वन में दोबारा वापस चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसमें 10 था, अब 11 हो गया, दैट्स ऑल। तो ये एक तरीका था कि प्लस वन करने का, सही है, थोड़ा सा लंबा कोड है ये, उसी का शॉर्टकट तरीका है ये, प्लस प्लस लगा दो, प्लस हो गया, सही है। तो मैंने फुल तरीका भी यहाँ लिख दिया और शॉर्टकट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब जरा माइनम वन को ना ये कोड को चला के देखते हैं कि वाकई ये वन प्लस कर भी रहा है इसमें या नहीं कर रहा, और फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है जी, माइनम 11 हो चुका है जी, भेज दो माइनम जो क्या हो चुका है, 11 हो चुका है। अच्छा इसी तरीके से प्लस प्लस के अलावा यहाँ पे माइनस माइनस भी होता है, ठीक है, तो वो माइनस माइनस क्या करता है, 1 माइनस कर देता है। तो अब 11 हुआ था, वापस 10 हो जाना चाहिए, वापस 10 हो गया, नहीं पहले मैंने प्लस किया ना फिर माइनस करा, तो इसलिए वो जो जो था वही हो गया, वापस प्लस भी नहीं हुआ माइनस भी नहीं हुआ। अच्छा अब उसके अलावा माई नम से पहले भी प्लस प्लस लगा सकते हैं, इन दोनों को मैं रोक देता हूँ, माई नम से पहले भी प्लस प्लस लगा सकते हैं, लेकिन माई नम से पहले जब प्लस प्लस लगाते हैं तो बिहेवियर उसका क्या है, सेम है, वो भी वन प्लस कर रहा है, अगर बाद में लगा रहे हैं तो भी है, पहले लगा रहे हैं तो भी, तो करके देखते हैं। मतलब अभी 10 है तो इसको 11 हो जाना चाहिए इस पॉइंट पे आगे, और 11 प्रिंट होना चाहिए, तो देखते हैं भाई 11 प्रिंट होता है या नहीं होता, 11 प्रिंट हो गया, ठीक है, बिहेवियर सेम है, वो भी एक ही प्लस कर रहा है। इसी तरीके से माइनस माइनस शुरू में भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, इसका भी बिहेवियर क्या है, 1 माइनस करता है ये भी, ठीक है। तो आया इन दोनों में कोई फ़र्क है भी या नहीं है, ये हम डिस्कवर करते हैं, आप नमाज़ पढ़ के वापस आ जाएँ, फिर हम ये डिस्कवर करते हैं कि इन दोनों में असल में फ़र्क क्या है। शॉर्टकट तो समझ में आ गया, चलें तकरीबन थोड़ी बहुत पहले से आती है, कोई आप में से ये अपना ओपिनियन देना चाहेगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक एक करिए, पहले तुम बताओ। ये ऊपर जिसमें आगे प्लस प्लस लगा हुआ है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और जिसमें पीछे प्लस प्लस लगा हुआ है क्या है, प्रिंट। नहीं तो मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो नाम बताया ना तुमने, नहीं प्रिंट अगर मैं नहीं करवा रहा तो जी। अच्छा एक बढ़ा के सेव करेगा और एक सेव करने के बाद बढ़ाएगा, ये मैं वो चीज़ नहीं सुन पा रहा हूँ मैं जो मैं सुनना चाह रहा हूँ जी दोस्त। हाँ बात इन्होंने बिल्कुल सही कर दी है, लेकिन एक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ मैं, वो इन्होंने भी नहीं बोला जी, आप में से कोई बोलना चाह रहा था कुछ, एक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ मैं जी, प्री इंक्रीमेंट। हाँ सही है, नाम इसका प्री इंक्रीमेंट है, एक का पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है,
असाइन करने से पहले इंटीग्रल असाइन करने का असाइन तो हम नहीं कर रहे इसमें, असाइन नहीं कर रहे हम कहीं पे भी। असाइन ये होता है, ये जो ये इक्वल का ऑपरेटर है ना, कि हम इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं 10। असाइन का मतलब रखवा रहे हैं, तो यहाँ तो कहीं असाइन नहीं कर रहे हम। बात तुमने भी सही बोली है बिल्कुल, लेकिन एक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ मैं, वो तुमने भी नहीं बोला। हाँ भाई, जिनको जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आती है पहले से, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का सवाल है बाय द वे। अच्छा, ये आपको पता है, ये मैं ये भी बता रहा हूँ, ये जो मैं वर्ड सुनना चाह रहा हूँ वो आपको पता है, वो मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा खुद ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं, पता सबको है, रियलाइजेशन मैं करवाऊँगा थोड़ी देर में अभी। अच्छा, कोई और, ये ब्रेन स्ट्रोमिंग का क्वेश्चन है ये, इसमें सही गलत नहीं है इसमें, क्योंकि सही पता होता तो फिर आते क्यों यहाँ पे। सही है तो वो तो मैं बताऊँगा सही बात। ठीक है, अच्छा बाई द वे, मैं भी जो बात बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है इसका क्या पैरामीटर है, जो मैं बात बता रहा हूँ ये सही है या गलत है इसका कोई पैरामीटर है? हाँ, तो मेरी हर बात को वेरीफाई किया करो, क्योंकि कोई पता नहीं है कि मैं भी, क्योंकि मैं बहुत लंबी लंबी फेंकता हूँ। तो किसी दिन लंबी लंबी कुछ छोड़ दूँ मैं तुम्हारे सामने, कल को तुम किसी और के सामने फिर सेम चीज़ कोशिश करो तो पता चले कच्ची हो जाए तुम्हारी। सही है, तो मैं जो भी मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरी किसी भी बात पे आँख बंद करके बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी किसी भी बात पे आपको ऐसे आँख बंद करके बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी हर बात को वेरीफाई करें आप। ठीक है, अच्छा कई चीज़ें मैं खुद भी यहाँ पे जो है वेरीफाई करता हूँ उसको, मैं कहता हूँ अच्छा ये इस तरह चल रहा है तो चलो चला के देख लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप जो चीज़ मैं कह रहा हूँ ना ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि जाहिर है क्या कहते हैं सीखने का अमल तो चलता रहता है ना। मैं आज भी डेली कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, आज भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या जो भी चीज़ें मैं ज़िंदगी में कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ कुछ नया सीखता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे एक डेजिग्नेशन दी गई है कि मैं टीचर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा आता है तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, थोड़े दिनों में ये चीज़ें आपको भी आ जाएंगी तो फिर आप भी कहीं जाके टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठने का मतलब ये नहीं है कि मेरी हर बात सही है। ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपसे सीख के भी जाऊँगा। अच्छा, तो वेल, तो मैं ये सुनना जो चाह रहा था वो ये सुनना चाह रहा था मैं आपसे, रिटर्न का वर्ड। ठीक है, ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, ये क्या करेगा? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट इंक्रीमेंट यानी बाद में इंक्रीमेंट करेगा, तो पहले क्या करेगा? रिटर्न। ठीक है, ये क्या करेगा? पहले रिटर्न करेगा, तो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ये बात सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में सेव करवा लेता हूँ। मैंने कहा लेट ई एक्स पी इक्वल्स टू दिस, अच्छा बाकी तीनों को मैं रोक देता हूँ, बाकी तीनों को मैं क्या कर देता हूँ, रोक देता हूँ। सही है, सिर्फ ये एक लाइन है मेरे पास अभी, वेरिएबल 10, सही है, num1 के नाम से वेरिएबल, उसमें 10 है। मैंने कहा num1 प्लस प्लस, जिससे क्या होगा, num1 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन ये जो ऑपरेटर है ना ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट करेगा बाद में, रिटर्न वैल्यू पहले देगा ये। तो ये रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब ये कोड रन होगा तो ये खुद गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न वैल्यू। तो ये क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू रिटर्न पहले करेगा, इंक्रीमेंट बाद में करेगा, यानी रिटर्न वैल्यू में क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, और 10 किस में चला जाएगा, ई एक्स पी में 10 चला जाएगा। तो ये जो है क्या करेगा, रिटर्न पहले कर देगा और इंक्रीमेंट बाद में करेगा, तो ई एक्स पी में क्या जाएगा, 10। ये अगर यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन होता तो वहाँ पे उसमें 10 आता, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया भी,
कि अगर कोई हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो वहाँ पर 10 आएगा वो, लेकिन वो रिटर्न वैल्यू एक मैं वर्ड सुनना चाह रहा था, तो वो उस जगह पे 10 रिटर्न करेगा और इंक्रीमेंट कर देगा बाद में, ठीक है। तो हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे कि भाई अगर रिटर्न करता है ये 10, इंक्रीमेंट करने से पहले रिटर्न करता है, तो exp में क्या चले जाना चाहिए, 10 ही जाना चाहिए। नीचे उसको प्रिंट करवा के हम देख भी लेते हैं। मैंने कहा कि भाई exp को पहले प्रिंट करो, exp में 10 होना चाहिए और num1 itself बाद में क्योंकि इंक्रीमेंट कर दिया तो वो 11 हो जाना चाहिए। चला के देख लेते हैं इसको, ठीक है। exp में 10 आया और mynum में 11 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह माइनस माइनस में भी है क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी बाद में डिक्रीमेंट करेगा ये, ठीक है। तो ये num1 क्या रिटर्न करेगा, ये माइनस माइनस वाला, ये क्या रिटर्न करेगा इस जगह पे, इस जगह पे 10 रिटर्न करेगा और बाद में डिक्रीमेंट कर देगा। तो इसका मतलब है कि बाद में जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये डिक्रीमेंट हो चुका होगा, 9 हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पे 10 ही मिलेगा। तो देखते हैं, exp में 10 है, बाद में 9 हो गया। क्लियर हो गया दोनों का डिफरेंस क्या है। अच्छा, नहीं ये तो मैंने ऐसे ही बताया था ना कि ऐसे भी कर सकते हैं। ये माई नम वन जो एक वेरिएबल है, उसके साथ माइनस माइनस ये एक ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक ऑपरेटर होता है ना, इस तरह ये ऑपरेटर है। अच्छा एक मिनट, बाय द वे एक बात मैं इस ऑपरेटर के बारे में आपको बता दूँ कि ऑपरेटर ना दो तरह के होते हैं। एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, जिसको दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे जो हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, जिसको एक ऑपरेंड चाहिए होता है, ये यूनरी ऑपरेटर है, सही है। ये मतलब प्लस प्लस तो है इसमें, ऐसे नॉर्मली तो प्लस के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं ना, दो आपस में प्लस हो, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि टू है और बीच में प्लस लगा दिया तो आप, वो तो काम नहीं करेगा, ठीक है। दोनों साइड पे ऑपरेंड मिलेंगे तो ये काम करेगा, डिवाइड में भी ऐसा ही है, मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही है। ये यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर एक दो और भी है, वो आगे हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। नॉट का बल्कि हम देख चुके हैं अभी थोड़ी देर, नॉट जो था वो क्या था, वो यूनरी ऑपरेटर है, वो पलट देता है ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, तो वो भी यूनरी ऑपरेटर है। मेरे ख्याल दो ही हैं जावास्क्रिप्ट में, या और भी हैं, वेल जब देखेंगे आ गया सामने तो पढ़ देंगे। तो ये ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर है, और इसका काम क्या होता है, इसको जो ऑपरेंड मिलता है उसमें ये वन प्लस कर देता है, सही है। अच्छा, और वन प्लस बाद में करता है, रिटर्न पहले कर देता है। जैसे टू प्लस टू अगर मैं कर रहा हूँ तो टू प्लस टू क्या करेगा, पहले प्लस करेगा ना फिर रिटर्न करेगा, यही करेगा ना, ये पहले रिटर्न कर देता है, ठीक है, इसका ये बिहेवियर है। अच्छा, तो अब हम ज़रा ये प्री वाले को देख लेते हैं। अब ये प्लस प्लस मैं इसके पीछे लगा देता हूँ लागे, तो अब ये क्या करेगा, प्री इंक्रीमेंट करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा बाद में रिटर्न करेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या रिटर्न होना चाहिए, इतनी जगह पे 11 रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद रिटर्न होना चाहिए। तो exp में भी 11 आएगा और नीचे भी 11 आएगा, देखते हैं ऐसा है कि नहीं है, ठीक है, दोनों में 11 आएगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, इसको हम कर देते हैं कमेंट। अच्छा, लेट रिजल्ट इक्वल्स, इसको मैं नम वन ऐसे में लगा दूंगा, सही है। थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी मुश्किल सी हुई भी है उसकी, स्पेलिंग आसान कर रहा हूँ ताकि मैं नीचे जल्दी जल्दी लिख सकूँ।
हाँ भाई, इसका बिहेवियर समझ आ गया ना, प्लस प्लस और माइनस माइनस का, कि रिटर्न वैल्यू अलग होती है और बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहा होता है। सही है, कुछ में इंक्रीमेंट पहले हो जाता है और फिर रिटर्न होता है। अब मुझे ये ज़रा जल्दी से सोच के बताओ, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन भी लगा देता हूँ कि इधर ख़त्म है ये, कि रिजल्ट में क्या जाएगा। अच्छा मुझे भी नहीं पता भाई जो, मैंने ऐसे रैंडमली लिखा है, तो मैं भी आपके साथ साथ कैलकुलेट करूँगा कि इसमें क्या जाएगा। फाइव, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि फाइव आएगा, अच्छा और बाकी लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि सिक्स आएगा। अच्छा ये देखो वही वाले एम्बिग्यूटी हो गया, ये बॉर्ड मास वाला है ना, सिक्स आएगा। अच्छा और फाइव और सिक्स के अलावा भी कोई आंसर है किसी का? फोर आप कह रहे हैं, फोर आपका ख्याल आएगा। अच्छा फोर फाइव और सिक्स, या ये भी तीन आंसर आ चुके हैं हमारे पास। होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, ये देखना पड़ेगा। हाँ बाय द वे प्लस प्लस का और जो है ना माइनस माइनस का देख लेते हैं ना प्रेसिडेंस, मुझे भी नहीं पता प्रेसिडेंस जावास्क्रिप्ट। ये मैंने वो चार्ट खोल लिया प्रेसिडेंस ऑपरेटर वाला, कहाँ है भाई प्लस प्लस, ये तो है ही नहीं, आई नहीं ना। अच्छा ये आ गया प्लस प्लस, इसका है 14। प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों का जो है वो क्या है 14 है। ये किसका है? प्रीफिक्स वाले का। और पोस्ट फिक्स वाले का कहाँ है? पोस्ट फिक्स वाले का ज़्यादा है, 15 है। एक का 14 है, एक का 15 है। जो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट है उसका 15 है, और जो प्री है, प्री डिक्रीमेंट और प्री, उनका 14 है। और उसके बाद जो एक्चुअल प्लस है हमारा वो 11 है, उसकी प्रेसिडेंस सबसे कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी है प्रेसिडेंस, उसके बाद प्री वाले की है, उसके बाद ये प्लस वाले की है। हाँ भाई, तो कितने लोगों का ख्याल है कि फाइव आएगा? कितने लोगों का ख्याल है फाइव है? एक दो तीन चार पाँच। अच्छा और इधर से बाकी लोग क्या कह रहे हैं? अच्छा कितने लोगों का ख्याल है सिक्स है? कुछ लोग कह रहे हैं सिक्स है। अच्छा काफ़ी सारे लोग सिक्स कह रहे हैं, कुछ एक दो लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया। आप फोर आपने बताया था, अभी भी आपका ख्याल है फोर आएगा? क्योंकि मैंने प्रेसिडेंस थोड़ा बताया, तो मे बी इफ़ यू वुड लाइक टू रीथिंक क्या आएगा। फाइव सिक्स फोर सब सब लोगों से कह रहा हूँ सिक्स ही आएगा। अच्छा तो मैं भी करता हूँ यार आप लोगों के साथ मिल गया। सही है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये इवेल्यूएट होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट इंक्रीमेंट की है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रिटर्न में? यहाँ पर रिटर्न में आ जाएगा सिक्स। कैसे सिक्स आ जाएगा? फाइव आएगा ना पोस्ट इंक्रीमेंट, मैं भी लिख रहा हूँ सिक्स, देखो हमारा। अच्छा तो यहाँ फाइव आ जाएगा, लेकिन इसको इसने कर दिया सिक्स, ऊपर सिक्स हो चुका है ये, लेकिन यहाँ फाइव आएगा रिटर्न वैल्यू। अच्छा उसके बाद ये वाला तो अभी है छोटा है, इसकी प्रेसिडेंस ये प्लस की तो छोटी है ना प्रेसिडेंस, ये तो अभी नहीं परफॉर्म होगा, ये तो अगले चक्कर में होगा ये। अच्छा और पोस्ट कौन सा है? ये वाला है पोस्ट, इसको भी निपटा लेते हैं इसी चक्कर में। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे भी थ्री आएगा, लेकिन डिक्रीमेंट बाद में हो जाएगा, तो ये टू हो जाएगा। हाँ वो प्रेसिडेंस एक दफ़ा में हमने एक वाले को किया ना, जो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस थी वो पोस्ट वाले की थी। अच्छा हाँ ये भी होगा ना इसी चक्कर में, ये भी होगा क्योंकि ये भी तो पोस्ट है। अच्छा तो यहाँ क्या आएगा भाई? दबाई एक मिनट, ठीक है ये ऐसे इधर से जाएगा ना। अच्छा हाँ यहाँ पे अभी क्या होगा? यहाँ पे थ्री आएगा और ये ऊपर टू हो गया। अच्छा यहाँ पे टू आ जाएगा और ऊपर हो गया, ये वन हो गया। हाँ यार थैंक यू सो मच, मैं एक मिस करके जा रहा था, आखिर में फिर दोबारा करना पड़ता। अच्छा अब प्री इंक्रीमेंट वाले मैंने सिर्फ एक रह गया, ये नम वन। अब नम वन में क्या आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पे?
ऊपर सिक्स हो चुका है ये, इस वक्त इसमें सिक्स मौजूद है तो यहाँ पे आएगा फाइव, सही है, और ऊपर भी ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट सारे निमट गए हमारे, अब प्लस और माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, तो वन गो में ये सारा होगा, पाँच और तीन आठ, सही है, आठ हो गया, और पाँच और दो सात, और एट माइनस सेवन वन, नहीं प्लस माइनस तो मैं पहले इधर करूँ पहले उधर करूँ, एक ही बात है ना, पाँच और तीन आठ माइनस नहीं, अगर मैं ऐसे करूँ पाँच और तीन आठ और पाँच और दो सात करूँ, नहीं हाँ ब्रैकेट नहीं है, तो हमने ये क्या देखा कि प्लस और माइनस अगर हम वन गो में ना करें तो आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। ये शुरू में मैंने जैसे बॉर्ड मास में बोलते ना कि भाई पहले एडिशन है फिर सब्ट्रैक्शन है, तो पहले एडिशन करने में देख रहे हो मसले आ रहे हैं, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो बॉर्ड मास में भी वन गो में होता है, कुछ लोगों का मुझे थोड़ा सवालिया निशान दिखा था लास्ट टाइम, मैंने कहा था ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वन गो में होगा और मल्टीप्लाई डिवाइड वन गो में होगा, एक दफ़ा मल्टीप्लाई फिर डिवाइड नहीं होगा। अच्छा तो हमने क्या किया, एट माइनस फाइव थ्री हो गया, और थ्री प्लस टू फाइव हो गया, ठीक है। तो आंसर एक तरफ वन आ रहा था एक तरफ फाइव आया, कितना डिफरेंस है, तो प्लस माइनस भी हमें वन गो में करना होता है। अच्छा तो फाइव इसका आंसर है, अब इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और देखते हैं कि फाइव आंसर आता है कि नहीं आता। कंट्रोल जेड करके मैं वहीं पे वापस ले आया इसको, ठीक है, और इसका आंसर फाइव अब देखते हैं कि आता है नहीं आता, मुझे भी नहीं पता कि फाइव आएगा कि नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जो अभी तक हमने की है उसके हिसाब से तो फाइव आना चाहिए, फाइव आ गया, सही है। अच्छा अब जो लोग सिक्स कह रहे थे या फोर कह रहे थे या कोई भी दूसरा रिजल्ट जिनका आ रहा था, वो इसको रीथिंक करें कि कहाँ पर उन्होंने मिस्टेक की थी, आया कि मैंने जैसे इसको ड्राई रन किया वैसे ही आपने भी किया था या कोई थोड़ा सा कहीं पर मिस कर गए थे कुछ। अच्छा बाय द वे ये प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इस तरह होने नहीं वाला, ये जो मैंने लिख के दिया है ना ये मैंने जस्ट इसलिए लिखा है कि आपको ये ना इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट के ना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और रिटर्न वैल्यू से आप आशना हो जाए अच्छी तरह, इसलिए मैंने ये लिखा है। रियल लाइफ में आमतौर पर इस तरह कभी लिखा हुआ शायद आपको ना मिले, मुझे तो आज तक नहीं मिला 10 साल में। तो इससे मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ पूछ ले, अदरवाइज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं आज। कोई सवाल है इससे मुतालिक आपका? अच्छा हम ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया। हमने ये वेरिएबल पढ़ लिए नंबर बोलियन स्ट्रिंग तीन, ये ऑपरेटर सारे कंप्लीट कर लिए। अब अगला टॉपिक हमारा इफ एल्स है, सही है, इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर, साथ साथ फिर हम कंपैरिजन भी पढ़ेंगे क्योंकि इफ़ एल्स और कंपैरिजन ऑपरेटर साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको बुक का चैप्टर बता देता हूँ, वो आप लोग पढ़ कर आइएगा, ठीक है। ये ड्राइंग ऐप को मैं बंद कर देता हूँ, सेव। बुक हमारी कौन सी है, स्मार्ट वे। अच्छा इसमें चैप्टर नंबर 10 जो है ना, इसमें ये इफ स्टेटमेंट का जिक्र है, तो ये चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 या जितना भी पढ़ सकें, तीन चार चैप्टर ना आप पढ़ लीजिएगा अगली क्लास में जब आप आएँ, तो ये चैप्टर नंबर 10 से लेके और 11, 12, 13, 14 ये तीन चार चैप्टर जो हैं जिसमें इफ, क्योंकि एक एक पेज का चैप्टर है, तो ये तीन चार चैप्टर आप पढ़ कर आइएगा ताकि हम फिर इसके आगे से शुरू करें बात, ठीक है। और वो मुझे पता चल जाएगा, मैं एक बात पूछूंगा तो आपके पास से जो जवाब आएगा, जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे अपने जवाब में, उन वर्ड्स से मुझे पता चल जाएगा कि आपने वो बुक पढ़ी है या आप वैसे तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बुक में कुछ वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, ज़ाहिर है वो वर्ड आपके जवाब में लाजमी होंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक कोई डेटा होता नहीं है ना आपके पास, और फिर कहीं एक जगह से आपने पढ़ा है, तो जब आप वो बात बयान करते हैं तो वो उस जगह की रिफ्लेक्शन आती है जहाँ से आपने वो बात पढ़ी है, ठीक है। तो मुझे ये बुक अच्छी तरह पता है इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ, तो मुझे पता चल जाएगा सही है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
बाय।